उबर 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 तो अभी हम निकले हैं टूवर्ड लद्दाख और अभी मस्त व्यू आया था दस्टर होटल से, अपने जो कैंप साइट थी उससे बाहर ही निकले हैं, पर घोपरू हो गया था हैंग, पता नहीं घोपरू क्यों हैंग हो गया है। और आज बाइक का चार्जर भी काम नहीं कर रहा, आई थिंक बैटरी लो है बाइक की, और चार्जर इस टाइप का है अगर बैटरी लो होगी 50% से नीचे तो अपने आप ही वो पावर कट आउट कर देता है, तुम्हें भी ये रीज़न हो सकता है। बस अभी GoPro को थोड़ी देर बाद चालू करेंगे थोड़ी धूप आने के बाद, क्योंकि वेदर के लिए वजह से ये काम नहीं कर रहा। अभी कहीं पे गाड़ी रोक के मुझे ग्लव्स चेंज करने हैं प्लस वाइजर भी चेंज करना है, दिख नहीं रहा है कुछ। क्या पहला गंदा बर्फ, पता नहीं आज सुबह से GoPro बहुत परेशान कर रहा है, सर्दी का असर है। राजकोट के अहमदाबाद में सब कुछ पेंजर में पिघल गया था और अभी सब कुछ जम चुका है। पहला वाटर क्रॉसिंग, थार को भी प्रॉब्लम पड़ रहा है, हमें नहीं पड़ेगा इतना, थोड़ा इस तरफ चलाए कि पानी कम है। हेड्स ऑफ वेनम, हेड्स ऑफ, वाह भाई वाह, अभी मुझे पत्थर लगा मेरी राइडिंग शूज में, और अपना राइडिंग शूज है एक नंबर ले 302 किलोमीटर पावर लेग। वेलकम टू जिंग जिंग बार, हाँ शायद से यहाँ पे या वो डोर मेटरिस्ट यहाँ पे ये 150 रुपया पर पर्सन सोलो राइडर के लिए। ओके ओके, जिंग जिंग बार में खाना पीना करेंगे, जिंग जिंग खाना, जिंग 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 जिंग। अरे भाई क्या करना चाहते हो भाई, भाई कुछ नाश्ता करेंगे, ये मुझे थर्मल पहनना है क्योंकि फ्रीज हो चुका हूँ अंदर से। अभी हम रुके थे नाश्ता करने के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट जिंगजिंग बार में, अभी मुझे लग रहा है कि आगे वाटर क्रॉसिंग होगा तो अपना जो वाटरप्रूफ शू कवर है उसको लगा लिया जाए। ये वाला ग्लव्स अच्छे से पहनना पड़ेगा मुझे वरना उंगलियां फील नहीं होती। अभी थोड़ी देर में आज का पहला हाई पास आएगा, इस ट्रिप का पहला हाई पास 12 लाचला, उसके बाद कौन सा पास आएगा शायद से टांगलंग आएगा या चांगला पता नहीं। आगे से गाड़ी आ गई, फर्स्ट गियर में रखनी पड़ेगी जब भी टर्निंग आएगा फर्स्ट गियर में, क्योंकि एक बार आपका मोमेंटम चला गया उसके बाद बाइक कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जिंग जिंग बार के बाद ये जिगजैग वाले साले रास्ते चालू होते हैं, साले नहीं सारे फैमिली लोग हैं, इतनी फुल लोडेड है तो आप चढ़ने के टाइम फर्स्ट गियर में चलाइए, जब ऐसा साफ टर्निंग आता है और आगे से कुछ आ जाए तो फर्स्ट गियर में पावर सबसे ज़्यादा मिलेगी तो गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी वरना फंस जाएगी, क्योंकि अपना वेनम फुल लोडेड है, ऊपर से पिलियन है तो ज़रूरत से ज़्यादा ही इस पर वेट है, तो आप भी विद पिलियन राइड कर रहे हो तो ध्यान रखें ऐसी जगह पे इस तरह से गाड़ी चलाइए, और क्लच का कम से कम यूज़ वरना आप लद्दाख पहुँचोगे उससे पहले तो आपकी क्लच प्लेट ही जल जाएगी। ये यहाँ पे जिंग जिंग बार की फ्रेंचाइजी है क्या,
अपडेट देता हूँ आपको, वो जो हम जहाँ पे रुके थे कैंप साइड पे, उसके शायद से 28 किलोमीटर के बाद मिला था जिंगजिंग बार। उसके बाद अभी वापस एक जिंगजिंग बार का पूरा एक गुच्छा मिल गया, पाँच छः छोटे छोटे क्या बोलते हैं काफे है, वहाँ पे आप सुबह का नाश्ता कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, क्योंकि हाई पासिस पे पेट खाली होना नहीं चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए आपकी बॉडी में। और आज ऐसा बढ़िया व्यू है कि बैटरी तो क्या, एसडी कार्ड भी फुल हो जाएगा। कब बंद करूँ कब चालू करूँ कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा। अभी मैप में देखिए रास्ता, zigzag। ओके, यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड है छोटा वाला। और छोटा सा पुल, और यहाँ से एक ग्लेशियर से आ रहा है पानी ठंडा वाला, जो हमने हाइड्रेशन ब्रेक में पानी भरा था सुबह गर्म, वो अभी हो चुका है ठंडा। भैया जी, आपकी रील के चक्कर में हमारे भी लगते और आपके भी लगते। बर्फ बर्फ ब्रो, बर्फ बर्फ वाले तो बर्फ ब्रो। आज एक वीडियो बनाएंगे लेह पहुंच के, या फिर रास्ते में लेह मतलब फुल्ली लोडेड हिमालयन फॉर लेह लद्दाख ट्रिप और एनी अदर ट्रिप्स। लेह लद्दाख ट्रिप पे इस सेटअप से काम चल ही गया है हमारा, तो हर ट्रिप पे ये आपको हेल्प करेगी। करीबन 80 से 90 हज़ार का एसेसरी लगा हुआ है अभी हमारे वैनम में, और हमारा टॉप बॉक्स है पूरे के पूरे 4 लाख का। पिलियन तो वो तो ऐसा ही है, पिलियन तो सस्ता है भाई। ओके साहब जी, थोड़ा बर्फ मोटा आने दो साहब जी, आएगा आएगा आएगा, यस साहब जी तो वापिस आएगा साहब जी, साहब जी खारदुंगला में मिलेगा साहब जी, खारदुंगला में 2.5 किलो का बर्फ मिलेगा, नहीं मिला तो इधर तो बना ले, ऐसा बर्फ है बनना चूस के, ये देख बर्फ है, काली काली बर्फ, गंदी वाली बर्फ, वहाँ पे है सफेद सफेद बर्फ। आज कैमरा बंद क्यों करूँ, एक रीजन मुझे बताओ क्यों बंद करूँ। रीजन है कि अगर बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी चेंज कर दूंगा, लेकिन कैमरा बंद नहीं करूँगा। 12 लाचिला 9 किलोमीटर आज का पहला पास। ओ माँ, ओ माँ, गोप्रो दे माँ, एक गोप्रो से काम नहीं चल रहा माँ, ओ साइकिल वाले माँ, इसको तो थम्स अप देना बनता ही है माँ। बर्फ देखने का सपना पूरा हो गया, ऊपर से स्नोफॉल भी हो रही है हल्की हल्की। अभी आप ही बताओ गोप्रो क्यों बंद करूं, वो जेसीबी की खुदाई प्रा, जेसीबी की खुदाई प्रा, जेसीबी की खुदाई देख लो प्रा, रास्ता खराब है प्रा, प्रा मेरी उंगली टूट गई प्रा, इतना ठंडा हो चुका है प्रा, प्रा अभी मैं BMW लूंगा जिसमें हीटेड ग्रिप होती है प्रा, जिससे मेरा हाथ गर्म हो जाएगा प्रा। नहीं ब्रो, मोमेंटम टूट गया था ना, इसलिए मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। बर्फ बर्फ शायद से ये चंद्रताल होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है, और फर्स्ट ईयर में हम डालने वाले हैं अभी। आगे जा रही है मेरी ड्रीम बाइक BMW 1250 GS, और उसके आगे जा रहे वो भी मेरा ड्रीम ही है, टाइगर 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 है, और अपना वैनम भी किसी से कम नहीं है। अभी BMW और टाइगर को नहीं देख रहे, देख रहे हैं तो वैनम को।
हाँ सेटअप ही हमारा ऐसा है। अभी हम पहुँचे हैं बारा राचला पास और इस कार वाले ने यहीं पे क्यों घुसा दी। आज का पहला हाई पास, थोड़ा पानी पी लेते हैं और बैटरी भी चेंज कर दी क्योंकि पूरी ख़त्म हो गई थी। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, निकलेंगे। आई चाबी जा है ऊपर 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 हाँ। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बारा राचला पास। वहाँ पीछे बारा राचला पास का बोर्ड, लेकिन वहाँ पे इतनी ट्रैफिक है कि कुछ नहीं होगा भाई। फोटो वोटो अभी एक ले ले किसी भी। चलो एक भैया फोटो निकल रहे हैं हमारे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं सारचू। हाँ ये पहला रास्ता है जिसमें हम बर्फ के बीच में से जाएंगे। वाह वाइट स्नो फर्स्ट गियर में लगा देते हैं। अभी पानी का तो कोई डर नहीं, पानी में से भी हम निकालेंगे अभी क्योंकि वाटर प्रूफ क्या बोलते हैं कवर है हमारे के लिए, शू कवर है, तो कोई बात नहीं पानी अगर टच हो तो भी। वाह बर्फ। अभी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हम सारचू पहुंचने वाले हैं। और मेरी तो ये एडवाइस है, जहाँ पे पेड़ हो वहीं पे स्टे करो। पहले दिन में भले आप कम चलाओ, 80 या 100 चलाओ, लेकिन सारचू में आप अभी नोटिस कर रहे होगे एक भी पेड़ नहीं है, बिल्कुल ही हल्का फुल्का घास है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो और सारचू में स्टे कर लिए तो सबको तो माउंटेन सिकनेस नहीं होगा, लेकिन आपके ग्रुप में से किसी ना किसी को तो माउंटेन सिकनेस हिट करेगा ही करेगा। मतलब 100% नहीं है, लेकिन रिस्क क्यों लिया जाए। इससे बेटर है आप जिस्पा में रुक जाओ, जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे, जिस्पा या फिर दारचा विलेज। दारचा विलेज बहुत पीसफुल जगह है, आप अपनी ट्रिप में ये टेंट वाला भी एंजॉय कर सकते हो, तो दारचा विलेज रुक जाओ। जिस्पा में थोड़ा महंगा है क्योंकि वो रोड साइड में है, तो सारी पब्लिक आके जिस्पा में रुकती है। और दारचा थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ेगा, दारचा में होम स्टे भी मिल जाएंगे और ये टेंट जो हम दारचा विलेज के जो टेंट में रुके थे वो भी आपको मिल जाएंगे। हमें टेंट मिला था 900 रुपये पर पर्सन विद फूड एंड टी। तो अभी हम रुके हैं बारा राचला के बाद, शायद से सारचू होगा ये। और व्यू एक नंबर, वहाँ पे कितना मस्त आइस दिख रहा है, ऐसा ब्राइट। अभी थोड़ी मजा आ रही है गाड़ी को भगाने में, बस गोप्रो की बैटरी साथ दे दे। ऊपर चढ़ाए दो, साइड मारे। ऊपर हेला हो तो थोड़ा, क्योंकि बहुत स्टिफ है। वाह क्या व्यू है। अभी मैं ज़्यादा जहाँ पे दिखाने लायक होगा वहीं पे मैं अपना गोप्रो चालू करेगा, क्योंकि गोप्रो की बैटरी आधे घंटे में ख़त्म हो जा रही है। तो ये व्यू देख लो, एक नंबर। मिलते आगे, अभी निकल चुके हैं हम सारचू से और बज गए हैं 12:41। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जैसे कैसे इसको, जैसे कोई क्या बोलते हैं इसको, हाँ मूर्ति के कुछ तराश के इतना ब्यूटीफुल बनाया है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत ही पुरानी कुछ जगह हो। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। और एक राइडर है जिसका टायर पंचर हुआ है, तो हम जितनी भी हेल्प हो सके हमसे वो हम करेंगे। गुजरात से ही है, लेट्स सी, उसके पास थंडरबर्ड है और हुआ है पंचर, रेंटल ली थी गाड़ी, दिख तो नहीं रहे आगे है ऐसा बोला है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अभी रास्ता आया थोड़ा एडवेंचर वाला, अच्छा ही, ज़्यादा मिट्टी नहीं। अरे वाह नीचे का लुक तो देखिए, लुक क्या व्यू तो देखिए, एक नंबर। अगर जरा भी इधर उधर गए तो गए समझो। अभी गर्मी लग रही है, हाय अच्छा है, गर्मी से अपनी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी और चार्जिंग भी चालू हो जाएगा। लद्दाख कितना इजी भी नहीं है, आज का दिन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रही है अभी।
मस्त यार, ऊपर Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.